शहडोल जिले के व्योहारी थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिन पहले पकड़े गए बुड़ार के रहने वाले एक बड़े गांजा तस्कर रोहित शर्मा के बयान पर साइबर सेल में पदस्थ एक एएसआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उसे तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। विदित हो कि कुछ दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा गठित स्पेशल टीम ने जिले के व्योहारी में गांजा तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर रोहित शर्मा के कब्जे से 1 क्विंटल के आसपास गांजा व 1 लाख रुपए नकद बरामद किया था। आरोपी रोहित शर्मा को जब स्पेशल टीम ने पकड़ा और उसका बयान लिया तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित साइबर सेल में तैनात सहायक उप निरीक्षक अमित दीक्षित की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमित दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया। जानकारी के अनुसार काफी समय से साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक अमित दीक्षित गांजा तस्कर रोहित से संपर्क में था। वहीं सूत्रों से यह भी पता चला है कि गांजा तस्कर रोहित शर्मा द्वारा साइबर सेल प्रभारी अमित दीक्षित को गांजा तस्करी में उसकी मदद करने के एवज में मोटी रकम भी दी जाती थी। जानकारी के अनुसार स्पेशल टीम द्वारा एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद पकड़ा गया गांजा तस्कर रोहित शर्मा का जब बयान लिया गया तो उसने अपने बयान में कई बड़े खुलासे किए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का कहना है कि साइबर सेल कर्मी एएसआई अमित दीक्षित को तत्काल लाइन हाजिर कर मामले की बारीकी से जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 2 दिवस पूर्व जो है थाना व्यवहारी में एक बड़ी कार्रवाई गांजे के ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई इसमें की गई थी, और इस कार्रवाई में जो है रोहित शर्मा नामक जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार भी किया गया था। जहां तक के पर्टिकुलर इस व्यक्ति की, इस अपराधी की बात करें, तो इसमें इनके खिलाफ पूर्व के भी जो है आपराधिक जो इनका रिकॉर्ड रहा है और नजीबत हो तो उसके संदर्भ में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जो प्रश्न है